हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका अमृता किचन विद फन में। तो आज मैं आपके लिए इजी केक डेकोरेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं केक बनाना। उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 1/4 कप ऑयल और उसमें ऐड किया है 2 कप शुगर पाउडर। उसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बहुत ही इजी बिस्किट से केक डेकोरेशन बताऊंगी। तो उसके लिए पहले हम केक बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अपना जो हमने ऑयल डाला था और शुगर पाउडर, उसमें हमने ऐड किया है 3 कप मैदा। अब इसमें हमें यहाँ पर ऐड करना है 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हमने यहाँ पर 1 कप दूध लिया है, उसे पूरा डालने के बाद हम मिक्स कर लेते हैं। लेकिन हमारा अगर पेस्ट गाढ़ा हो तो हम इसमें और थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। तो इसे हल्के हाथों से मिलाइए। देखिए, यहाँ पर मेरा पेस्ट बहुत गाढ़ा है तो मैंने थोड़ा और इसमें मिल्क ऐड किया है। मिल्क हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा, लेकिन आप पेस्ट देख सकते हैं वीडियो में, आपको ऐसा क्रीमी पेस्ट बनाकर तैयार करना है। यहाँ पर हमने घी लगी हुई तपेली ली है, उसमें अपना पेस्ट हम ऐड कर देते हैं। तो आप पेस्ट बिल्कुल देख लीजिए आपको कैसा बनाना है, वीडियो में शायद आप देख पा रहे होंगे। तो हमने यहाँ पर इसे शिफ्ट कर दिया है अपनी घी लगी हुई तपेली में, और यहाँ पर हमने पहले से ही तपेली को प्री हीट किया था और उसमें हमने रेत बिछाई थी। तो उसमें केयरफुली हमने अपना स्टैंड रख दिया है। उसके बाद अपनी तपेली रखने के बाद इसे हम रख देते हैं 45 मिनट के लिए ढककर और बिल्कुल लो फ्लेम पे। जब तक हमारा केक बनकर तैयार होता है तो हम डेकोरेशन के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमने मैजिक वाले 2 बिस्किट के पैकेट लिए हैं जो क्रीम वाले हैं। तो क्रीम हमें अलग करनी है और बिस्किट अलग करना है। तो आप वीडियो में देख रहे हैं, चाकू की मदद से हम ऐसे अपनी क्रीम अलग कर लेंगे और बिस्किट अलग कर लेंगे। तो बिस्किट को हमें क्या करना है कि जार में तोड़कर डालना है, क्योंकि हम उसे हम पीसेंगे। तो ऐसे ही हम सारे बिस्किट की क्रीम अलग कर देंगे और बिस्किट के टुकड़े कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी क्रीम और ये हो गए हमारे बिस्किट के टुकड़े। इसमें हमें जो क्रीम मिली है उसमें हमने 2-3 चम्मच दूध डालना है। ध्यान रखना है कि दूध ज़्यादा उसमें ना हो जाए। और जो बिस्किट है उसमें भी हमें दूध ऐड करना है। तो इसे हम मिला लेते हैं, जिससे जो क्रीम निकाली थी हमने उसका एक अच्छा पेस्ट बन जाएगा हमारा। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हमें थोड़ा दबाते हुए इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए, बहुत अच्छा पेस्ट बनकर तैयार है। इसमें हमें डालना है कोको पाउडर, जो हमारा चॉकलेट पाउडर है। इससे बहुत ही अच्छी फ्लेवरिंग होती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे इसमें ऐड कर दीजिए और अच्छे से मिला दीजिए। मिलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि सूखा पाउडर आप ऊपर से ऐड करेंगे। तो जब तक हम अपना केक भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि 45 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए, केक हमारा यहाँ पर बहुत ही टेस्टी लग रहा है। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। जब ये डेकोरेट होगा तो और भी टेस्टी लगेगा। देखिए, हमने यहाँ पर जो हमारे बिस्किट थे उसका भी पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड, चलिए इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए, इसका जो पेस्ट है वो भी अच्छा क्रीमी लग रहा है ना। जो ये हमारे बिस्किट हैं जिसको हमने तोड़ के जार में डाला था, उसे हमने पीस लिया है जार में मदद से। तो हम अपना केक है तपेली में से निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि केक पूरा आप ठंडा हो जाने दीजिए, क्योंकि बहुत कमेंट आती है हमारा केक नहीं निकला, आधा तपेली में रह गया। तो उसमें क्या है कि हम बहुत जल्दी करते हैं कि नहीं फटाफट से निकल आए, इसलिए हो जाता है। तो उसे पहले अच्छे से ठंडा हो जाने दीजिए। तो ये हमने दूध और जो हमारे बिस्किट थे उसे हमने जार में अच्छे से पीस लिया था। तो आप देख लीजिए, आपको इस तरह से पीसने के बाद अपने केक के ऊपर इसे लगाना है। और कितना एक अच्छा तरीका है, ये बहुत ही इजी है। अगर आप अपना केक डेकोरेट करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर से, केक के ऊपर से डाल दीजिए और आसपास से भी कवर कर दीजिए, आपका एक बहुत अच्छा केक बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए, क्यों ना थोड़ा सा उसमें अलग
डिज़ाइन भी कर दिया जाए क्योंकि वो बहुत ही सिंपल लग रहा है। तो इसलिए मैंने इस क्रीम जो है बिस्किट की अलग इसलिए ही निकाली थी क्योंकि उसमें मैं चाहती थी थोड़ा सा अलग हो जाए। तो यहाँ पर मैंने जो क्रीम है उसे एक दूध की जो हमारी पन्नी होती है ना वो अमूल दूध की उसमें निकाल लिया है। और आप इसकी मदद से किनारी पे अच्छे से देखिए ये जो आपका डिज़ाइन हो रहा है आप देख रहे होंगे वीडियो में बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप इसे थोड़ा सा गाढ़ा होता तो आप इससे आप नाम वगैरह भी लिख सकते हैं और यहाँ पर छोटी छोटी स्प्रिंकल्स वगैरह जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। फ्रेंड अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें।